It's movie encoded by Dread Holmes. सेंसर दफन कर दिया है। इनकमिंग रीडिंग से ले ली साहब। ये खूबसूरत है लीसा। तुमने जब कहा तो खूबसूरत ही होगा। सेसम सेंसर रीडिंग अब आ रहे हैं। हमें पक्के तौर पर कोई एक्टिविटी मिल रही है। पर जोसेफ, ये कैसे मुमकिन है? काउला ने 50 लाख सालों से कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं दिखाई है। मुख्य जगह से इतनी दूरी कैसे मुमकिन है? जोसेफ, लीसा, मुझे लगता है अंदर का लावा शिखर से बाहर आ रहा है। यह नए टापू बन गए हैं। लैंडन कब आ रहा है? वो जल्दी फ्लाइट से आ रहा है। कुछ टेस्ट के लिए हमें उसकी मदद चाहिए। जोसेफ, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। जल्दी निकलो। जोसेफ, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जल्दी काउला उतरने जा रहे हैं। आपके सामने अगर ट्रे खुले हो तो कृपया उसे बंद कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, I'm sorry sir, हम लैंडिंग करने जा रहे हैं। आप प्लीज अपनी सीट आगे कर ले, ये ट्रे बंद कर देंगे। थैंक यू सर। इतने शोर में कैसे सोते हो? प्रैक्टिस। ऐसे किसी को नहीं देखना चाहिए बेटा। टॉनी, बैठ जाओ प्लीज। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। हैग है ना? हैग की तरह दिखते हो। एक्चुअली मेरा नाम जिम है, जिम कर्कलैंड। जेनिफर, और आप टोनी से पहले ही मिल चुके हो? जी हाँ। शादी को कितने साल हुए? अभी तक नहीं हुई। मुझे बस इसे पहनना पसंद है। ऐसा लगता है कि हम हैं। मैंने ऑटो शॉप से थोड़ा सा वक्त निकाला है ताकि शादी से पहले थोड़ा वक्त निकाल सकूं। यह तो अच्छा है, मतलब आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं। 6 महीने
मैं जानता हूँ ये थोड़ा पागलपन है। इसमें कोई पागलपन नहीं है। अगर तुम्हें पहले महीने में ही ये पता नहीं चलता कि बस वही तुम्हारा प्यार है तो तुम कभी नहीं जान पाते। Altitude 15,000 feet, signals clear, radar reading okay. कंट्रोल, ये 7389 है, शायद अब हमें कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि हमारा राडार घना तूफानी बादल दिखा रहा है, पर रिपोर्ट्स कुछ खास परेशानी नहीं दिखा रहे हैं। कैन यू कंफर्म? कंट्रोल, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? रेडियो काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल, ये 7389 है, क्या आप कॉपी कर सकते हैं? लगता है हमने गवा दिया। सर। ओह, ग्रेट। मेरा वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा ठीक कर लूं तो आपको परेशानी तो नहीं होगी? नो, आई एम सॉरी। एक्चुअली आपको ये बंद करना होगा क्योंकि हम लैंड करने वाले हैं। ओह, सॉरी। कोई बात नहीं। क्या मैं इसे ले लूं? हाँ, बिल्कुल। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। आपके पास कोई एस्प्रिन है? माफ कीजिएगा, हमारे पास नहीं है। हे भगवान, मेरा सर, मुझे उड़ने से नफरत है। हो सकता है कि ऊंचाई की वजह से हो रहा हो। हम लोग लैंड करने वाले हैं। कंट्रोल, कैप्टन, रेडियो खराब हो गया है। खराब हो गया? मुझे दूसरा डर है। वो क्या है? ये कब तक खराब रहेगा? क्या हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा झटका है। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। Oh!
ऑटो पायलट के लिए जीरो। अच्छा जीरो सर, आप ठीक हैं? जीरो नाइन सर, सर कोड क्या है सर? सर कोड क्या है बताइए सर। ये क्या हो रहा है सर? बताइए सर, सब कुछ ठीक है? सर बताइए, ये सांस नहीं ले पा रहे, आप मेरी मदद करेंगे? ओह, ये मर चुका है। हाँ। ओ, ये ऑटो पायलट पे है। तुम्हारा नाम क्या है? रीटा। हाँ, तुम रेडियो पर जाओ और किसी से भी मदद मांगो, किसी से भी मांगो, मैं कह रहा हूँ किसी से भी मांगो। मेरा नाम रिक पायरस है, जल्दी करो। हेलो, जल्दी से करो। हेलो, कोई सुन रहा है? हमें मदद चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें ही कुछ करना होगा। क्या प्लेन उड़ा पाएंगे? एक सेकंड रुको, मैं तुरंत आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं फ्रैंक। फ्रैंक, आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूनाइटेड स्टेट का एयर मार्शल गवर्नमेंट, क्या आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है? पायलट घायल है, चलो। क्या वो मर चुके हैं? बेहोश है, लेकिन ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पायलट को सीट से हटा देते हैं। तुम ठीक हो? मुझे छूना नहीं। सॉरी, मुझे लगा तुम तक नहीं हो। तुम्हें पूरा एक ही दिखाई? वैसे अभी तक नहीं। वो मुझे बेहोश नहीं लग रहा है। ये मर चुका है। इस हालत में पैसेंजर पायलट को ना देखे, वो पायलट को भी जल्दी हटा दो। ओके, मैं समझ गया, मैं चुप रहा हूं। ये क्या हो रहा है? सब ठीक है। ओके, सब लोग ध्यान दो, मैं एयर मार्शल जिम कर्कलैंड। हमारा पायलट बेहोश हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक है। अगर कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग कर चुका है तो वो लोगों की मदद करे, या आप सब एक दूसरे की मदद करे। ये तो वोल्केनो है। क्या? हाँ? ये क्या है? ए, क्या माजरा है बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतनी बड़ी चीज उड़ाई है? नहीं, सबसे बड़ी चीज मैंने उड़ाई है वो है किंग एयर, 9 सीटों वाला। बढ़िया। कम ऑन, कम ऑन। ये ऑटो पायलट में ही अटक गया है, एक झटके के साथ। हाँ, टेररिस्ट टेक ओवर रोकने के लिए उन्होंने एनकोडेड ऑटो पायलट सिस्टम इंस्टॉल किया है। और जाहिर है सारे कोड उसे पता थे। नहीं, मिस्टर स्पेयर को पता है। ग्रेट। मैंने ज्वालामुखियों की स्टडी की है, पर मुझे लगता है ये सबसे खतरनाक है। असल में ये तो अभी भी जागृत हुआ है, ऐसे ही उड़ते रहना, बस प्लेन को उसके ज्यादा करीब मत जाने देना। सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ऑटो पायलट चल रहा है। उम्मीद तो है। क्या आप उस चीज को हिला सकते हैं?
इसमें थोड़ी बहुत हलचल हो रही है, शायद मैं मुसीबत के वक्त इसे हिला पाऊंगा। उस घने रात के बादल के ऊपर से उड़ते वक्त कोई चांस नहीं, उससे हमारे इंजन तबाह हो जाएंगे। पर इसे हमें पार करना ही है। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे झटके ना लगे। ए टली, रुको जरा। ताज, अब तुम्हें क्या हो गया? मैं इस हॉल में ब्रेकफास्ट हुआ। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना ग्रेवी मत खाना। अरे बिस्किट और ग्रेवी थी, एक चीज के बिना दूसरी चीज। बूढ़े के सामने ऐसे मत खड़े रहना। अच्छा सुनो टली, उन्होंने सभी को बुलाया है। कर्नल राइकर ने किसी वोल्केनोलॉजिस्ट को बुलाया है। कोई मतलब ही नहीं बनता, वोल्केनोलॉजिस्ट के साथ क्या करेंगे? पता करना है। क्या हमारे पास रडार रीडिंग है 0600? अभी तक तो नहीं। वैसे आपके इनपुट और इन्फॉर्मेशन हमारे काम के हैं डॉक्टर, आप हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिविंगस्टन को थोड़ा फेवर करें। काम पे लग जाओ। सर, डॉक्टर लीसा व्हिटमोर कोई अनोनी बात बता रही है। सुने डॉक्टर, अगर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती तो हमें उसके बारे में पहले ही पता चलता। सर, हमें यहाँ कुछ रीडिंग्स मिल रही है, काफी बड़े हैं। क्या ये तूफान है? माफ कीजिए कर्नल, पर आप तूफान की ओर देख ही नहीं रहे हैं। आप लावा निकलने वाली चोटी को देख रहे हैं। क्या काउला, आपको पता है लाखों सालों से एक मृत ज्वालामुखी टापू था अब तक। कर्नल, जब ज्वालामुखी फटा तब मेरे साथी वहीं थे। प्लीज मदद करने दीजिए। आपको मदद करनी है तो मेरे एक्सो को सब कुछ बताइए जो आप जानती है। पहले ये बताओ, मरा हुआ ज्वालामुखी कैसे जागृत हुआ? मेरे साथी का एक ऐसा ही सिद्धांत था। मैट काउला ने कई सालों तक कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, पर 30 साल की एक्टिविटी के बाद वो दबाव कहीं न कहीं तो जाएगा ही। कई बार वहाँ कनेक्टिंग पैसेजेस होते हैं जिनसे गर्मी और दबाव एक साथ जमीन पर आ जाते हैं। दबाव की इतनी भारी मात्रा अंदरूनी ज्वालामुखियों को जमीन पर आने को मजबूर कर देती है। कर्नल, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भड़केगा। मैं सबसे बेहतर हूँ और आपको मेरी जरूरत है। सेट कर लो और मुझे जानकारी दो। थैंक यू सर। सर, 10 मिनट पहले मुझे पता चला था कि ल्यूहे एयरपोर्ट का उनके एयरलाइनर से कांटेक्ट टूट चुका था जो लैक से आ रहा था, और 40 मील पहले ज्वालामुखी फटने के बाद वो अपना रास्ता भटक गया। इस दुर्घटना में वो विमान अंधों की तरह उड़ रहा है सर, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। मेरे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं उन्हें मदद के लिए जलते ज्वालामुखी पर नहीं भेज सकता, क्योंकि अब ये टापू इमरजेंसी के हालत में है। समझ गया सर, मैं टापू को खबर करता हूँ। ऑर्डर आते ही टापू खाली किया जाएगा। शुरू कर दो, जॉनसन को वहाँ भेजकर काम शुरू कर दो। सर, आपकी परमिशन हो तो मैं आपको असिस्ट करना चाहूंगा। स्पेशलिस्ट, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, अभी तुम तैयार नहीं हो, रेडियो पर वापस जाओ। यस सर। किसका इंतजार कर रहे हो? कॉल करो अपने। गुड लक। हाँ।
लेकिन तुम बहुत बार सांस ले रही हो। ओके, 1, 2, 3 कोई बात नहीं, घबराइए मत, सांस लीजिए, सांस, जोर, आराम, आराम से। क्या मैं बांध के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? एक मिनट, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये प्लेन कौन उड़ा रहा है? पायलट तो नहीं उड़ा रहा है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्या यार? पायलट तो काफी टाइम से बेहोश पड़ा है, मुझे तो लग रहा है कि वो मर चुका है। क्या पायलट मर चुका है? ए, मुंह बंद कर, वो बकवास कर रहा है। और को पायलट का क्या? क्या वो तो ठीक है? अपनी ताकत मत करो, वो मर चुके हैं, है ना रीटा? तुम एक काम करो, चुप रहो, बैठ जाओ या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ठीक है। मेरे लिए संभाल के रखो। वाओ। और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो। रखोगे ना? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। टॉनी मैकरोनी। बुया। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या आप अपने लोगों को ओहाओ ले जाना चाहते हैं? आपको उन्हें ज्वालामुखी की रेंज से दूर ले जाना होगा। शुरुआत के लिए वो अच्छी जगह है। इवैक्यूएशन एक घंटे में शुरू हो जाएगा। गुड। दूसरा, जानकारी के लिए एक ज्वालामुखी हमें शूट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं मेरे किसी आदमी को वहाँ भेजूंगा? ओम, मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ कि हम एक ज्वालामुखी में कुछ भेजते हैं ताकि मैं उसे अच्छे से समझ सकूं। उस जानकारी से हम क्या समझ पाएंगे? समंदर का तापमान, हवा का तापमान और भूवैज्ञानिक परेशानियाँ, इससे मैं आगे क्या हो सकता है ये बता सकती हूँ। दोस्तों आप चलो। शुक्रिया। 15 मिनट बाकी है सर। सर, कमर्शियल एयरलाइनर के बारे में क्या है सर? हमें उनका विजुअल मिल सकता है जिसके जरिए हम उनकी मदद कर सकते हैं सर। जब तक आपको कॉम पर कोई नहीं मिलता तब तक अपने काम पर ध्यान दो जवान। यस सर। ठीक है, बताओ इस फोन को आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे ठीक कर रहा हूँ ताकि मदद के लिए कॉल कर सकूं। सुनो, एक मिनट, ये फोन या वाईफाई यहाँ काम नहीं करते। वैसे पूरी तरह से नहीं। देखिए, सारी लाइन्स एक लिंक से कनेक्टेड होती हैं, जो सैटेलाइट की तरफ जाती हैं और एक निश्चित टारगेट की तरफ वापस भी आती हैं। और फिलहाल तो वो लिंक रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि कम्युनिकेशन डाउन है। ऐसे हालात में अनरजिस्टर्ड यूजर को कॉल लग सकता है, जानते हैं। अब अगर मैं वो लिंक सैटेलाइट से बाईपास कर पाया तो हमारा कॉल लग सकता है। क्या ऐसे काम बनेगा? वैसे मैं बताऊंगा आपको। ओके। एक्सपर्ट डली, नीलाओं की हालत कैसी है? कुछ खास नहीं है सर, वहाँ कुछ दिक्कतें हैं। नागरिकों को लगता है कि उनके हालात वो खुद संभाल सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जवानों को वहाँ से घसीटे ले जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए और जल्दी उन्हें बेस पर बुला जाए। सर, हेलीकॉप्टर निकल चुका है। निलाओ कंट्रोल, ये डेल्टा 2-1 है। नजारा दिख रहा है सर, हमें तस्वीरें मिल रही है सर। डेल्टा 2-1 लॉन्च के लिए तैयार है सर। रोजर दैट डेल्टा 2-1। इंटरेस्टिंग। क्या वो लावा तेज गर्म है और घना नहीं है? ज्यादा घना ना होने की वजह से ये ज्यादातर हवा में ही रहेगा। डेल्टा 2-1, आप जब तैयार हो लॉन्च कर सकते हो। ठीक है सर।
रॉजर, डेल्टा 2 एक जानकारी के लिए लॉन्च कर रहा हूँ। 3, 2, 1 निशाने पर है। बढ़िया, उसे बेस पर वापस बुला। रॉजर दैट, डेल्टा 2-1 बिहाव कंट्रोल, मुझे नजारा दिख रहा है। डेल्टा 2-1 फिर से कहिए। एक घना बादल तेजी से हिल रहा है। वो सिर्फ तेजी से नहीं हिल रहा, उसकी रफ्तार 300 नॉट की है। उन्हें वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहिए। डेल्टा 2-1 बेस पर वापस आइए, मैं दोहराता हूँ, बेस पर वापस आइए। कम इन, कम इन। डेल्टा 2-1 वहाँ से निकल जाइए, आप सुन रहे हैं? ओह माय गॉड, कैप्टन एल भी नहीं रहे, वो अब ही आ रहा है। वो निहाव से 30,000 मीटर दूर है। 20,000 मीटर। किनारे पर कौन है? हमें हमारे जवानों को भेजना होगा किनारे खाली करने के लिए। काफी देर हो जाएगी, किनारे की गश्त को कॉल कीजिए और खाली करने का आदेश दीजिए अभी। जल्दी करो। सर, जो किनारे पर रह रहे हैं उनका क्या? आपके किनारे अब नए पॉपी बन गए। अब भी जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें सुरक्षित ले आओ, जल्दी करो। रीटा, टॉप गन तुम्हें बुला रहा है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। डैम इट, आप ठीक तो है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सेकंड के लिए अंदर आओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पैनल के नीचे तक जाओ। तुम्हारा हाथ अंदर तक जाएगा क्या? हाँ, लगता तो है। ओके, वहाँ अंदर देखो और मुझे बताओ कि क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, वहीं कहीं अंदर। इस ऑटो पायलट को बंद करने के सिर्फ दो तरीके हैं, जिसमें से एक खो चुके हैं और दूसरा वहीं कहीं होना चाहिए। रिक, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम कर सकती हो, बस वहाँ पहुँचो और देखो क्या है। मुझे लगता है कि सर्किट ब्रेकर मिल गया है। ओके, यहाँ तो बहुत सारे स्विच, कौन सा होगा वो? ओके, वो स्विच थोड़ा दूसरे स्विच से अलग दिखेगा। ये हो सकता है कि वो दूसरे रंग का हो या पूरी तरह से अलग स्विच हो। हाँ। क्या तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ, मुझे मिला। ओके, मैं करूँ क्या? हमारा इंजन खत्म हो गया। क्या? क्या? मुझे माफ करो। तुम ऐसा करो, उस व्हील को पकड़ो, पकड़ो उसे। नहीं हो पाएगा। तुम कर सकती हो, बेशक कर सकती हो। पकड़ो उसे, जस्ट रिलैक्स, पकड़ो, पकड़े रहो। रिलैक्स। वो क्या है? Okay? Rick! No! No!
मतलब कि वो दूसरे स्विच किसी काम के नहीं है। ग्रेट। क्या वो सही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वही स्विच है, लेकिन पूरा सर्किट जल चुका है। ठीक कराने का कोई फायदा नहीं है और हम ऑटो पायलट में अटके हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो करीब था। ये तो बस शुरुआत है, देखो एक और अच्छी खबर। हमारे पास कितना वक्त है? शायद एक घंटा, सब सही है। तो अब हम क्या करें? मैं जाकर लैंडर को देखता हूँ, शायद उसने कोई प्रोग्रेस किया हो। ए जीनियस, क्या हुआ? वैसे मैं जीनियस छोटा हूँ पर चमत्कारी बड़ा हूँ। ये ट्रांसमिट के लिए तैयार है, मतलब ये काम करेगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। मेरे ये फ्लाइट 7389 है। फ्लाइट 7389 को तुरंत आपातकालीन मदद की जरूरत है। मैं दोहराता हूँ, ये फ्लाइट 7389 है, इसे तुरंत आपातकालीन मदद की जरूरत है। ये अच्छा है, इंप्रेस करना चाहते हो मुझे तो किसी को लाइन पर बुलाओ। टोनी, हनी तुम ठीक हो ना? क्या तुम ठीक है? ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ए छोटे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ इसके लिए कोई दवाई मिलती है कि नहीं। हाँ ठीक है। ओके। मुझे लगता है नया पायलट प्लेन उड़ाना नहीं जानता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे पायलट मर चुके हैं। रिक हम सबको खतरे में डाल रहा है। उसने पेट्रोल तक बहा दिया, अब पता नहीं हमारे पास कितना पेट्रोल है। मैं कहता हूँ ऑटो पायलट को वही करने दो जिसके लिए वो बना है, रिक को नहीं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, थैंक यू। उनको बाहर निकालो। ऐसा है, हमें उन पर भरोसा नहीं है। उस बंदे को तुरंत निकालिए बाहर। क्या बाहर निकालो उन्हें, क्योंकि वो हमें मौत के खाई में नहीं जाएगा। वो हम सबको खतरे में डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हवा खाना चाहोगी? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? जो बंदा इस प्लेन को चला रहा है ना, वो ठीक नहीं है। हमें उस पर भरोसा नहीं। यहाँ क्रेडिटर का मदद हो रहा है, मुझे बताओगे? हम क्रेडिटर का साथ देंगे। पर क्यों? खोलो। नहीं। हाँ, ये आदमी हमें खतरे में डाल रहा है, इसे खोलो। मैं इसे प्लेन के बाहर नहीं फेंकने वाला हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो, मतलब तुम इससे मिले हो। दरवाजा खोलो। क्रिकर! फेंको उसे, फेंको उसे। सब लोग कैबिन में जाओ, चलो। रिक, उड़ाओ। यस सर। वो इंसान सबकी जान बचा रहा है और तुम उसी पर हमला कर रहे हो। वो मार देगा हम सबको। दिमाग खराब कर दोगे तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। उधर से बच्चे देख रहे हैं। तुम सही हो, तुम एक बंदे को दरवाजे से फेंकने वाले थे। मुझे पता है तुम्हें कहां रखने से तुम तड़पोगे नहीं। बैठ जाओ। तुम क्या सोचते हो कि तुम दरवाजा खोल देते और कैबिन डीप प्रेशराइज्ड हो जाता तो क्या होता? इसके बारे में सोचो। बदबू तो जरूर आएगी। रिक पर ध्यान दो। क्या? मैंने कहा रिक पर ध्यान दो।
और करीब से ध्यान दो। मुझे यहां रखने से हम सबको मौत के घाट उतारने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा मार्शल। फैमिली का फोटो है, कहां है ये लोग? मैंने उसे बंद कर दिया। गुड। तुम ठीक तो हो? हाँ, थैंक यू उसके लिए। ये मेरा फर्ज था, मैं तुम्हें ये एक बार पूछूंगा और तुम मुझे सच बताओगे, क्या तुम ये प्लेन उड़ा सकते हो? हाँ, उड़ा सकता हूं। ऐसी बात है तो ठीक है, बस तुम हम सबको मरने मत देना। मदद के लिए जो कॉल किया था किसी ने तो सुना ही होगा ना? बच्चा कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे ये फ्लाइट 7389 है, इसे मदद की तुरंत जरूरत है, क्या आपने सुना? मेरे ये फ्लाइट 7389 है, हमें आपातकालीन मदद की जरूरत है, कोई हमें सुन रहा है? मेरे ये फ्लाइट 7389 है, इसे आपातकालीन मदद की तुरंत जरूरत है, क्या आपने सुना? प्लीज कोई तो फोन उठा। मेरे ये फ्लाइट 7389 है, इसे आपातकालीन मदद की तुरंत जरूरत है, क्या आपने सुना? टली, एयरलाइनर के लापता प्लेन का नंबर क्या, जल्दी बताओ। फ्लाइट 7389। क्यों? मुझे लगता मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। कर्नल राइकर सर, उस एयरलाइनर से हमारा कांटेक्ट हो चुका है सर। सर, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? मेरे ये फ्लाइट 7389 है, हमें आपातकालीन मदद की तुरंत। ये लैंडन है, ये उसकी फ्लाइट है। आप जानते हैं उसे? वो मेरा दोस्त है, वो आज हमसे मिलने आने वाला था। वॉन, उनकी मदद करो। यस सर। वो कहाँ है? उसी चीज पर। थैच। यस सर। वो जहन्नुम के सातवें पायदान पर है। वो खुशकिस्मत है कि जिंदा है, हमें कुछ करना होगा। हम खतरे के बीचों बीच है, ये टापू खाली करना जरूरी है और ये मेरा ऑर्डर है। मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन यही सही तरीका है सर, जितने लोगों को हम बचा सकते हैं उनको बचा लेंगे। अगर हमने इसे खाली करना चाहा तो ऐसा हो सकता है कि ये भड़कने वाली आग की दीवार हमें रोक सकती है। सच कहूँ तो हम बात कर रहे हैं लगातार बहने वाले लावा के बारे में, ये खतरनाक है, पर मैं ये नहीं कहती कि ये नामुमकिन है। फ्लाइट 7389, कम इन 89। ये निहाउ जॉइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन सेंटर है, आप सुन रहे हैं ना? मुझे कोई मिला। कोई हमें संदेश भेज रहा है। हाँ, हेलो, कम इन, ये फ्लाइट 7389 है। आप जिंदा हैं? कौन बात कर रहे हैं, मतलब आपका नाम क्या? आप लैंडन हैं? जी, मैं लैंडन हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं, हम मिले हैं? वैसे तो सही है, पर यहाँ आपके सहयोगी हैं, डॉक्टर विटमोर। लीसा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आप सुनिए, मेरा नाम प्राइवेट वॉग है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस हालात में हैं अभी? हाँ बिल्कुल, हालात तो हमने हमारे दोनों पायलट खो दिए हैं, हमारा विमान कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। यहाँ एक आदमी है जिसका मानसिक संतुलन हालात की वजह से बिगड़ता जा रहा है, और हम
एक ज्वालामुखी के चक्र के बीच उड़ रहे हैं। अब आप बताइए। ओके रोजर दैट, आप कितनी ऊंचाई पर हैं और ईंधन कितना है? हमारी ऊंचाई क्या है? तकरीबन 10,000 फीट। ओके, हम तकरीबन 10,000 फीट पर हैं और हमारा काफी ईंधन बह चुका है। ओके रोजर दैट, लैंडन जस्ट होल कीजिए। बिल्कुल। टैली सर, उनका ईंधन खत्म हो रहा है। उनसे बात कराइए। लैंडन, मैं लीसा। लीसा, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। बस उड़ते रहो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ओके, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लैंडन, रॉक कौन कर रहा है? तुम रॉक कर रही हो। This movie encoded by Dread Holmes. अभी तक तो नहीं, पर हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है, शायद एक घंटे तक चले। ओके लैंडन, यहाँ कर्नल राइकर है, वो आपको बताएंगे क्या करना है। बेटा बस रिलैक्स करो और शांति रखो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको वहां से सुरक्षित निकालने की। अच्छा, एक और बात आपसे कहनी थी, मेरे भूकंप के आंकड़ों के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि लैंडन, लैंडन संपर्क टूट चुका है सर। डैम इट, राख के बादलों की वजह से ऐसा हुआ है। सर, मैं विनती करता हूँ कि रेस्क्यू के बारे में फिर से सोचें। बात सुनो स्पेशल। सर, वो लोग मर जाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया तो। उन्हें हवा में मरने दो। यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर देता हूँ और मेरे लोग आज मरने नहीं जाएंगे। कर्नल प्लीज, अगर तुम और जिद करोगे तो तुम मुझसे भीख मांगोगे जब मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करूंगा। यस सर। अगर आपका खत्म हो चुका हो तो मुझे कुछ मिला है। जानकारी के लिए भेजी हुई मशीन बढ़ते हुए तापमान और भूवैज्ञानिक हलचल की जानकारी दे रही है बढ़ते हुए भागों में। क्या मतलब है? मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती किस बात की? भूकंप का केंद्र, समय और मैग्नीट्यूड का अच्छा अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि मैग्मा बेल्ट से पहले जमीन कितना दबाव सहेगी और कहां से टूटेगी। इसका मतलब एक और उद्रेक? हाँ, पहले से भी बहुत बड़ा। उसके बाद क्या? हम हार जाएंगे। कनन, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? मेरे साथ आओ। हम उन लोगों को बचाएंगे, ठीक है? पर इसके लिए हमारे पास कर्नल की परमिशन नहीं है। अब हमारे पास है। वैसे भी राइकर टापू के काम में बिजी है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। राइकर उन्हें बचा नहीं सकते, पर हम बचा सकते हैं। मैं आज किसी को भी मरने नहीं देने वाला हूँ, समझे? जिन लोगों की मुझे फिक्र है वो प्लेन में है और मेरी मदद के बिना नहीं कर सकते, समझे? ओके, सबसे पहले हम वो टैंकर हासिल करेंगे। जाम हो चुका है, अंदर कुछ फंस चुका है। मैं रिक से बात करने जा रहा हूं। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। मुझे अभी बताइए, इस जैम इंजन के साथ आप प्लेन उड़ा पाएंगे? नहीं, जब तक कि उसे ठीक कर दे। लेकिन कैसे? तुम मुझे बाहर भेजो, मैं उस जाम इंजन को ठीक कर दूंगा। क्या? रुको, क्या हम ये दरवाजा खोल भी सकते हैं? वैसे हम लोग 10,000 फीट पर, अगर मैं थटल तक पहुंच जाऊं तो हम कर सकते हैं। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? आपके पास कोई आइडिया है? मुझे मेरा बैग चाहिए, उसमें मेरे औजार हैं। अगर तुमने वो इंजन ठीक भी कर लिया तो वो तुम लोगों को अपनी ओर अंदर खींच लेगा। मैं मेरी बीवी को देख रहा हूँ जो वैकेशन पे जा रही है,
मैंने मेरे काम के साथ वक्त निकाला, वो कोर्स करते करते मैं मरा जा रहा था। उसने कहा ये कोई अलग काम नहीं। जान चीज जो कि सीधे हमारी तरफ पड़ रही है सर। हेलो, कोई वहां है? हमने अभी अभी एक को खोया है और हमारे दो इंजन खराब हैं। क्या आपने सुना, क्या कोई है वहां पर? जैमित कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हेलो, क्या कोई है वहां पर?
मैं आपको सुन रहा हूँ। दो इंजन पर उड़ना 474 के लिए मुमकिन है, पर आप शायद बहुत भारी है। एक और इंजन बंद होने के बाद आप क्रैश भी हो सकते हैं। लगेज के बारे में क्या, हम वो सब फेंक सकते हैं? तुरंत करो, हमें यहाँ पर धमाके महसूस हो रहे हैं। नहीं है और जिसकी जरूरत नहीं, क्रिगर को फेंक दो। उसे देखो, बैठ जाओ और बेल्ट बांध लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट पर बैठ जाइए और बेल्ट बांध लीजिए। अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग होंगी। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ अनचाही चीजों को मैं बाहर फेंकने जा रहा हूँ। क्या? अच्छा, रिक, नहीं, नहीं नहीं नहीं, सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो रिक। नहीं, आज नहीं, मुझे मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ काम करने हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि ऐसा मत करो। मैं कर रहा हूँ। नहीं, 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 नहीं। ऐसे कैसे किया? मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। 4000 फीट पर हमारा नीचे जाना बंद हो गया है। माफ कीजिए कर्नल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ यहाँ पर? जो भी है जल्दी कहिए। आप वहाँ हैं? हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा था। हम विमान को संतुलित करने में कामयाब रहे। ये कैसे किया आपने? हमने दो इंजन निकाल दिए। आप कितनी ऊंचाई पे हो?
4000 फीट। ये हमारे टैंकर के लिए काफी करीब है, हम उन्हें बुला रहे हैं। चिंता मत कीजिए, हम मदद भेज रहे हैं। क्या? टैंकर को बुला लो, ये काफी खतरनाक हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आप किसी जाबाज को ही भेजेंगे। चिंता मत कीजिए, वो हमारे बेस्ट है। ठीक है, कैसे होगा ये, मैं कब तक की उम्मीद कर सकता हूँ? तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट? ठीक है, पर जरा जल्दी कीजिए, हमारे पास बस 30 मिनट बचे हैं। रोजर दैट, टली आउट। मेरा अंदाजा गलत निकले। ये रोनाल्ड 25 है, कहिए। रोजर दैट, ब्रावो 25, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ रोजर, कंट्रोल। Roger that, Bravo 25, अंदर जाकर आराम से काम करो। जैसे बगीचे में चल रहे हैं। हमें रास्ता दिख रहा है कंट्रोल। Bravo 25 अंदर जा रहे हैं। कंट्रोल, हम अंदर आ चुके हैं। Roger that, Bravo 25, क्या आपको वो चीज दिख रही है? Roger कंट्रोल, मुझे सब दिखाई दे रहा है। Roger that, Bravo 25, गुड लक। Bravo 25 लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। लैंडन, मदद का प्लेन बिल्कुल आपके नीचे है, आपको सभी पैसेंजर्स को सामान की जगह पर ले जाना है, समझे? ठीक है, मैं अभी सबको वहां लेकर जाता हूँ। हे, मदद आ चुकी है, वो चाहते हैं कि हम कार्गो होल्ड में पहुंचे। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं ऐसे हालात में मजाक नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आता हूँ। रहो, 25 पैकेज कलेक्ट कर रहा है। रोजर दैट। तुम ही कहो स्पेशलिस्ट सर। क्या तुम्हें लगा था ऐसे काम बनेगा, वो भी मेरे ऑर्डर्स के बिना, नकली ऑर्डर्स तैयार करके, और वो भी जानबूझ के? मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को डिसमिस करता हूं सर। तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। अब अपने स्टेशन पर जाओ और वही इंतजार करो, MPs आने वाले हैं। और उसे स्क्रीन से हटा दो, उसे हटा दो। चीज बात करने के लिए तैयार की है, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आ,
सब कुछ खत्म होने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम यहाँ खड़ी रहकर ऐसा क्यों सोच रही हो। आपको अब भी भरोसा है? तुम बस मुझे उड़ाने दो। नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। ज्वालामुखी के चक्र के भीतर कुछ तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको वार्निंग देता हूं डॉक्टर। बस बस देखिए, पूरा दबाव एक ही जगह पर केंद्रित हो रहा है और ये सिर्फ वक्त की बात है। और ये चीज उभरने से पहले है और ये काफी बड़ा होगा, 3 मील का डायमीटर होगा। बस देखिए, देखिए आप। आपका काम हो चुका। आपको ये सुनना होगा। इन दोनों को बाहर ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे सर। सर सब तबाह हो जाएगा। वॉन दिखा दो उन्हें। वॉन दिखा दो। हाय, मेरा नाम लैंडन टॉड है। मुझे उम्मीद है कि कोई मेरी बात सुन रहा होगा। मैंने मेरे पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। मैंने कभी एक दिन भी उनके साथ नहीं बिताया। काश कि मैं उनके साथ वक्त बिता पाता। पापा, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी मत सोचना कि आप बुरे पिता थे। मैं चाहता हूँ कि जो वक्त मैंने कमाया उसकी भरपाई करूँ, पर पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं। I love you, पापा। अभी दिन बीता भी नहीं और मेरी सोच बदल गई। आपने उन्हें सुना करना? पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मेरा नाम शर्ली जोन्स है और मैं 67 साल की हूँ। मैं चाहती थी ये बात मेरा पति जॉर्ज सुने, पर वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो गुजर चुका है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मैं तुम्हें देखती हूँ। तो बहुत खूबसूरत हो। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। हम उन्हें बचा सकते हैं। आप उन्हें बचा सकते हैं सर। प्लीज प्लीज, अगर कोई भी हमें सुन रहा है तो प्लीज मदद कीजिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, छोटा सा लड़का, वो बस 8 साल का है। भगवान के लिए, प्लीज भगवान के लिए, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। मदद कीजिए। हम उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, और मुझे लगता है कि आप भी नहीं। मेरी मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए। दोस्तों, हम पर जिम्मेदारी है और वो है हमारे लोगों की सुरक्षा, चाहे कितना भी जोखिम हो। सर्जेंट ग्राहम, जेट्स तैयार करो। जी सर। सर, ऐसा करके आप राज्य के ऑर्डर तोड़ देंगे। और तो और, आप जिस बारे में बात कर रहे हो, खुदकुशी है क्या? ये लोग जोखिम उठाने के काबिल है? हम ना कि सिर्फ उन्हें बचा रहे हैं, हम खुद को भी बचा रहे हैं। और तुम अपनी पोस्ट पर जाओ स्पेशलिस्ट। सर। एक्ट।
ये तो अब भी गर्म हो रही है और हमारे सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। सब डरे हुए और मैं भी। डरो मत, बैठ जाओ रीटा। सुनिए, आप अपने परिवारों के लिए बाहर निकलेंगे, हम सब इस सब से जरूर बचेंगे। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारी चीज है मेरी बीवी और बच्चों की तस्वीर। जब से मुझे पता चला है कि वो मुझसे छीन ले गए हैं, मैं अक्सर उड़ता रहता हूं। अगर मैं वक्त को पीछे ले जा पाता तो शायद मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होता। जब तक मैं लैंड नहीं करूंगा मैं उड़ता रहूंगा, मेरे परिवार के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, हम सब के लिए। ये वक्त अलविदा कहने का नहीं है और प्रार्थना करने का नहीं है, ये वक्त है धीरज से काम लेने का। हम मुसीबत का मुकाबला करेंगे, हौसला बनाए रखें। मैं अब भी उड़ा सकता हूं, अब भी उड़ा सकता हूं। इसको हम एक ही तरीके से हरा सकते हैं, अगर हम दबाव खोल पाए मैग्मा चेंबर से। यहाँ यहीं हमें हमारा हमला केंद्रित करना है। कहना आसान करना मुश्किल है डॉक्टर, हमें मौका नहीं मिलेगा। केंद्र पर काफी सारे सीधे हमले इतनी जगह बना लेंगे कि लावा वहाँ से निकल सकता है और सीधे समंदर में फैल जाएगा जिससे उद्रेक बंद हो जाएंगे। हमारे पास अच्छा मौका है। कोई सवाल? जी नहीं। गुड लक। आपको ये करने की जरूरत नहीं है सर, हमारे पास काफी लोग हैं जो जाने के लिए तैयार हैं। सोल्जर, ये मेरे लोग हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह लीड कर सकता हूँ। यस सर। अब तुम वापस लीड आउट जाओ। सर, हमारे लिए रेस्क्यू टीम मिली है। प्लेन थोड़ा सा मोटा है पर वो आसानी से उड़ सकता है और राख वाली हवा में भी आसानी से उड़ सकता है। बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, वो लोग सब कुछ सोच समझ कर इसमें कूदे हैं और वो लोग थोड़े जोशीले भी हैं। ये लोग कहाँ मिले तुम्हें? कुछ हमारे लोग हैं, कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ। वो एक्सट्रीम स्काई डाइविंग में माहिर हैं, इसलिए कुछ लोगों को छोड़कर उन्हें ही चुना गया है। बहुत अच्छा प्राइवेट, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। दोस्तों, मुझे ये पैराशूट और ये राफ्ट मिला है। हम ये पैराशूट राफ्ट से जोड़ देते हैं, फिर हम सब नीचे समंदर में जा सकते हैं और फिर हम वोल्केनो के शिकंजे से निकल सकते हैं। जी, उस राफ्ट में हम हर कोई को नहीं ले पाएंगे। पहले औरतों और बच्चों को उतारेंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि सभी औरतें और ये टोनी कार्गो में आए, हम सब प्लेन से बाहर निकलेंगे। आपको यकीन है ये काम करेगा? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर इस प्लेन से कोई भी निकलेगा पहले तो वो मैं निकलूंगा। Oh,
एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तुम लोग मेरी नजर से नहीं देख पा रहे हो, नहीं चाहते कि तुम्हारी मम्मी को कोई तकलीफ हो। मुझे एक पोता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो हमेशा मेरा हाथ थामता है, मैं सो भी जाऊं तो भी वो मेरा हाथ थाम लेता है, पता नहीं क्यों। तैयार रहो। रेड विंग वन स्टैंड बाय। रेड विंग थ्री स्टैंड बाय। रेड विंग फाइव स्टैंड बाय। ओके अंदर घुस जाओ, जल्दी करो, ये आपकी पार्टी है रेड विंग लीडर। रोजर दैट। दोस्तों सेंटर पर निशाना लगाओ। रेड विंग तैयार रहो। Wider missiles!
रेड विंग लीडर, उस प्लेन के लिए कवर फायर दीजिए। कुछ बारूद के साथ ईवैक टीम भेज रहा हूँ। कॉम शुरू करो और उन लोगों को बता दो कि धमाकों के लिए तैयार हो जाए। ये तो पागलपन है। यह ठीक है, मैं करता हूँ। आपने उसे सुना, चलो रास्ता चीरते हैं। आपके पास कुछ गोला बारूद है? हाँ बिल्कुल, बिना बारूद के मैं उड़ान नहीं भरता। गुड, मुझे लगता है कि वो काम आएंगे। वो करीब आ रहा है। मैंने नाम दिया है रेड विंग 3 इजेक्टिंग। कहाँ है वो? वहाँ पर मारे जा रहे हैं। फ्लाइंग टू, वहाँ जल्दी से पहुँच जाओ। आपका ETA क्या है? ये एक मिनट है। कंट्रोल रेडी एंड पैकिंग। रोजर दैट। रेड विंग लीडर, आपके पास एक मिनट भी नहीं है। वक्त हो चुका है। Thank you.
हमारा आदेश है, चलो हम सबको निकलना है। हमें निकलना होगा मैम, समझिए। रीता मत कीजिए। रीता रेखा में जाना होगा। इतना भी बुरा नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा, वो हमें निकालने आए हैं। आप दोनों जल्दी चलो, हमें तुरंत निकलना है। हम रिक को भी साथ लेकर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम रिक के बगैर नहीं जाएंगे। सुनो सुनो, जल्दी करो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ओके, सब ठीक हो जाएगा। हमने 200 पाउंड बारूद प्लेन में रखे हैं, आपको ज्वालामुखी के केंद्र पर हमला करना है। ओके, गुड लक। मैं पायलट हूँ, मैं वहां आ सकता हूँ। चलो जल्दी, आप तैयार हैं? जल्दी बाहर निकलो, हमें अर्जेंट बाहर निकलना है, तुरंत बाहर निकलना, जल्दी चलो। निकलने का वक्त हो गया है, चलिए, चलने का वक्त हो गया है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, रेडी? ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्लेन क्लियर है। कामयाब हो गए। सिर्फ हवाई द्वीप ही ज्वालामुखी से नहीं जूझ रहा है, माउंट विसुवियस में भी काफी सारे हलचल दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। कर्नल रायकर बहुत खुश होंगे। सक्रिय है। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू सर्जन। लगे रहो सर्जन। यस सर।
मैं भी नहीं। This movie encoded by Dredd Holmes.